हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिट मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को 9.2 आउट ऑफ 10 की धमाकेदार रेटिंग मिली है। मेन लीड में है राजकुमार राव और इन्होंने यकीन मानिए बहुत ही उम्दा काम किया है। मूवी की स्टोरी में एक लड़की हाईवे से गायब हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन एक ऑफिसर को दी जाती है। क्या वो ऑफिसर उस गायब हुई लड़की को ढूंढ पाएगा और कौन है वो लोग जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया है, ये जानने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है विक्रम नाम के एक आदमी से जो पहाड़ियों के पास पड़ा हुआ था। अचानक से उसे होश आता है और वो अपनी बहन को ढूंढने लग जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि दो लोगों ने उसकी बहन को पकड़ रखा है, उनका चेहरा ढका हुआ है और वो लोग उसकी बहन को जिंदा जला देते हैं। विक्रम बेबस होकर बस ये नजारा देखता रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि ये सब जो भी हमने देखा वो विक्रम का पास्ट होता है और वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास होता है। इस दर्दनाक हादसे की वजह से विक्रम पोस्ट ड्रामेटिक डिसऑर्डर नाम की बीमारी से जूझ रहा होता है, जिस वजह से ड्यूटी पर, घर पर या कहीं भी उसे पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। डॉक्टर विक्रम को सजेस्ट करती है कि तुम्हें जल्द ही अपनी जॉब को क्विट करना होगा, नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। लेकिन विक्रम इस बात के लिए साफ मना कर देता है, वो अपनी पुलिस की जॉब को नहीं छोड़ना चाहता था। विक्रम की जॉब की बात करें तो विक्रम हिट यानी होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम में पुलिस ऑफिसर होता है। हर तरह के हादसे में हुई मौतों की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम और पुलिस वाले मिलकर काम करते हैं। विक्रम का बहुत ही खास दोस्त रोहित भी उसके साथ हिट का मेंबर होता है। विक्रम और रोहित ने मिलकर बहुत सारे केसेस को आसानी से सॉल्व कर लिया था। उसी डिपार्टमेंट में अक्षय नाम का एक ऑफिसर भी होता है जो विक्रम से बहुत ज्यादा जलता होता है। वो विक्रम के काम में फालतू में रुकावटें पैदा करता है जिसकी वजह से दोनों की कभी नहीं बनती है। विक्रम की एक गर्लफ्रेंड होती है और उसका नाम होता है नेहा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते होते हैं और नेहा भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट होती है जो कि हिट में ही काम करती है। विक्रम ने नेहा को अभी तक अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है। नेहा विक्रम से पूछती है मगर विक्रम नेहा को कुछ भी नहीं बताता। नेहा को विक्रम के डॉक्टर से ये बात पता चलती है कि उसकी कंडीशन सही नहीं है, इसलिए विक्रम को वो कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी तो ले लो। इस बात से विक्रम राजी हो जाता है। अब विक्रम नेक्स्ट डे अपने डिपार्टमेंट जाकर लीव की एप्लीकेशन लगा देता है। उसका सीनियर जानता था विक्रम बहुत ही काबिल और डेडिकेटेड ऑफिसर है, इससे पहले उसने कभी भी कोई भी छुट्टी नहीं ली थी, इसलिए विक्रम की छुट्टी सैंक्शन कर दी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हाईवे की तरफ। प्रीति नाम की लड़की कार ड्राइव करके कहीं जा रही होती है लेकिन अचानक से हाईवे पर उसकी कार खराब हो जाती है। प्रीति जल्दबाजी में अपना फोन घर पर भूल गई थी तो वो हेल्प के लिए कार से बाहर आ जाती है। तभी इब्राहिम नाम का पुलिस ऑफिसर अपनी जीप से गुजर रहा होता है। वो प्रीति को देखता है और अपनी जीप साइड में लगाकर प्रीति के पास आकर उसकी हेल्प करने को बोलता है। प्रीति उसका फोन लेकर अपने डैड से बात करती है और इब्राहिम को कहती है कि उसके पापा अभी आते होंगे, आप जाओ। इब्राहिम वहाँ से निकल जाता है। इब्राहिम कुछ फाइल्स को लेकर दूसरे पुलिस स्टेशन जा रहा होता है एक केस के सिलसिले में। जब वो उस पुलिस स्टेशन में पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि वो हड़बड़ी में गलत फाइल ले आया है। अब वो दोबारा से फाइल लेने के लिए निकल पड़ता है। इब्राहिम अब वापस आते वक्त प्रीति को हाईवे पर देखता है और वो किसी ब्लू कलर की कार में बैठे हुए एक आदमी से बात कर रही होती है। अब इब्राहिम जब सही फाइल लेकर वापस आता है तो देखता है कि कुमरी आदमी प्रीति की कार के पास खड़ा है। वो फौरन उस आदमी के पास आता है तो उसे पता चलता है कि प्रीति वहाँ नहीं है और वो आदमी प्रीति के फादर है। इब्राहिम प्रीति के फादर को सारी बात बताते हैं और ये भी कहता है कि आप चिंता ना करो, क्या पता वो किसी दोस्त के साथ घर पहुंच गई हो, आप घर जाओ और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर देना। अब नेक्स्ट सीन में प्रीति के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आते हैं। रात हो चुकी थी और प्रीति का कोई भी अता पता नहीं था। वो इब्राहिम को सारी बात बताते हैं और कंप्लेंट लिखवाते हैं। अब इब्राहिम प्रीति के मिसिंग होने की वजह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो हाईवे के टोल पर लगे सीसीटीवी को चेक करवाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि प्रीति की कार तो दिख रही है मगर ब्लू कार का कोई अता पता नहीं है। इब्राहिम हैरान हो जाता है कि उसने तो ब्लू कार को अपनी आंखों से देखा था। अचानक वो हाईवे से प्रीति को लेकर कहाँ गायब हो गई।
प्रीति के पेरेंट्स को इब्राहिम की इन्वेस्टिगेशन पर शक हो जाता है। वो इब्राहिम के सीनियर से उसकी कम्प्लेन करके उसे सस्पेंड करवा देते हैं। एक्चुअली में इब्राहिम के सीनियर प्रीति के फादर के फ्रेंड होते हैं। अब इसी दौरान 2 महीने निकल जाते हैं। 2 महीने निकल जाने के बाद अचानक से एक दिन हिट का एक ऑफिसर विक्रम को कॉल करता है और एक शॉकिंग न्यूज देता है। वो ये बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नेहा मिसिंग है। ये बात सुनकर विक्रम एकदम से पागल सा हो जाता है। विक्रम नेक्स्ट डे ही वापस आ जाता है, मगर उसको पता चलता है कि नेहा का मिसिंग केस तो अक्षय हैंडल कर रहा है। ऑफिसर विक्रम से कहता है कि तुम तो लीव पर थे, इसलिए अक्षय को केस दिया गया है और अक्षय ही अब इस केस को हैंडल करेगा। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था। वो अपने दोस्त रोहित के साथ नेहा के घर पहुंच जाता है चुपके से और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वहां पे उसको कुछ अलग तरह की एक परफ्यूम की स्मेल भी आती है, जिसको विक्रम ने कभी भी कहीं नहीं सूंघा होता है। अब विक्रम को प्रीति के केस के बारे में भी पता चलता है। प्रीति को भी सड़क से उठा लिया गया था। अब विक्रम को पता चलता है कि नेहा प्रीति वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसलिए उसको प्रीति और नेहा के मिसिंग होने पर एक ही आदमी का हाथ लग रहा था। विक्रम को प्रीति की कार में सेम वही परफ्यूम वाला कपड़ा मिलता है जो कि नेहा के घर पर भी मिला था। अब विक्रम फौरन अपने सीनियर के पास जाकर प्रीति का केस उसे देने की बात करता है। अभी तो कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसलिए विक्रम को केस सौंप दिया जाता है। विक्रम अब सबसे पहले इब्राहिम के पास जाता है। इब्राहिम उसे एक एक बात बता देता है, लेकिन विक्रम और रोहित को इब्राहिम पर स्ट्राउट हो जाता है। वजह ये भी होती है कि इब्राहिम के घर में विक्रम को वही परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इसके बाद ये लोग प्रीति के पेरेंट्स के पास आते हैं। अब विक्रम को पता चलता है कि प्रीति उसकी असली बेटी नहीं है, बल्कि उनके भाई की बेटी है और उन्होंने भी उसे अडॉप्ट किया था। प्रीति के पेरेंट्स से विक्रम को शीना नाम की एक लेडी के बारे में पता चलता है। आसपास के लोग शीना को अच्छी लेडी नहीं मानते थे, क्योंकि वो डिवोर्सी थी, लेकिन एक प्रीति ही थी जिससे शीना की बहुत अच्छी दोस्ती थी। विक्रम शीना के पास आता है तो शीना उसे बताती है कि लास्ट टाइम प्रीति से उसकी किडनैप होने से एक रात पहले बात हुई। विक्रम और रोहित प्रीति के कॉलेज भी जाते हैं। प्रिंसिपल प्रीति के बारे में कुछ खास तो नहीं बता पाता, लेकिन बस वो ये बताता है कि प्रीति का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा नहीं था। विक्रम प्रीति के फ्रेंड से भी पूछताछ करता है, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब विक्रम को एक आइडिया आता है। वो प्रीति के पेरेंट्स के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि प्रीति के नाम की एक शोक सभा रखो, सस्पेक्ट तो जरूर आएगा और वो लोग उस इंसान को पहचान लेंगे उसके हाव भाव से। अब प्रीति के पेरेंट्स क्या करते हैं, बेचारों को शोक सभा रखनी ही पड़ी। प्रीति के घर पूजा में सब लोग आते हैं, तभी वहाँ पर शीना आ जाती है और विक्रम को एक पेपर देती है जिस पर लिखा होता है कि लाश राजा गोडाउन के सामने पड़ी है। ये लेटर देखने के बाद विक्रम को पैनिक अटैक आ जाता है। विक्रम किसी तरह अपने आप को संभालते हुए गोडाउन के आसपास जाता है और इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वहाँ पर उनको कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। विक्रम वापस शीना के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमको ये कागज कहाँ से मिला। शीना कहती है कि प्रीति के घर के दरवाजे के बाहर उसको वो कागज मिला था। विक्रम को शीना पर शक हो जाता है। वो देखता है कि शीना के घर पर कुछ स्केचेस फ्रेम्ड हैं और उनकी पिक्चर्स क्लिक करके वो फोरेंसिक लैब ले आता है। हैंडराइटिंग फोरेंसिक एक्सपर्ट विक्रम को बताता है कि ये दोनों लगभग सेम आदमी के हाथों से बनाए गए हैं। वो कागज वाली लिखावट और स्केच का बनने का तरीका सेम ही है। नेक्स्ट डे विक्रम सीमा के घर आ जाता है सर्च वारंट लेकर। उनको उसके घर के अंदर तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन घर के बाहर एक कार दिखती है जो कि कवर्ड होती है। विक्रम को शक होता है। वो कवर हटवाता है तो दोस्तों वो ब्लू कलर की कार होती है। विक्रम को कार की डिक्की में सेम पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि डेड बॉडी राजा गोडाउन के सामने है। पुलिस शीना को गिरफ्तार करके ले जाती है। इंटरोगेशन के दौरान शीना कहती है कि कोई भी उससे बात नहीं करता था, इसलिए प्रीति के मिसिंग होने के बाद सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने ये सब किया कि शायद इसी बहाने लोग उसके पास आएंगे कि उसको वो कागज कहाँ से मिला। उसने प्रीति को नहीं मारा, वो कुछ भी नहीं जानती कि प्रीति कहाँ पर है। विक्रम को उसके ऊपर जरा भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लेता है, मगर पॉलीग्राफ टेस्ट में पता चलता है कि वो एकदम सही बोल रही है। वो वाकई में प्रीति के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब विक्रम को कॉल आता है कि गोडाउन के बाहर एक बॉडी मिली है और वो बॉडी सच में प्रीति की ही होती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट प्रीति की बॉडी को एग्जामिन करते हैं और विक्रम को ऐसी बात पता चलती है कि विक्रम शॉक्ड हो जाता है। विक्रम को पता चलता है कि प्रीति की बॉडी में बहुत सारे डीएनए मिले हैं, फिंगर पर अजय के, दांत पर उसके फादर के और बॉडी पर अदर पार्ट्स पर बहुत सारे लोगों के।
प्रीति के प्रिंसिपल और ऑर्फरेज वाली मैडम के भी डीएनए मिले हैं। विक्रम को समझ ही नहीं आता कि एक ही बॉडी पर इतने सारे लोगों के डीएनए कैसे मिल सकते हैं। वो एकदम झल्ला जाता है। वो एक एक करके सबसे सख्ती से पूछताछ करने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब वो सपना नाम की एक लड़की को बुलाता है। और दोस्तों, सपना प्रीति के साथ अनाथालय में रहा करती थी अडॉप्शन से पहले, और वो विक्रम की साथ ही रोहित की गर्लफ्रेंड भी थी। विक्रम को पता चलता है कि सपना प्रीति से जलती थी क्योंकि प्रीति को एक बहुत रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। अब जब तक सपना का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता, वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। विक्रम हाईवे वाला फुटेज दोबारा चेक करवाता है। उसको एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि ब्लू कार को एक कंटेनर में डालकर ले जाया गया था और उस कंटेनर को फहद ड्राइव कर रहा था। विक्रम फौरन फहद को पहचान जाता है और वो वही मैकेनिक था जब वो इब्राहिम से मिलने गए थे तो फहद इब्राहिम की गाड़ी ठीक करके उसको देने आया था। विक्रम तुरंत इब्राहिम के पास आता है और वो दोनों फहद को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। फहद के घर आते ही विक्रम को वही परफ्यूम की स्मेल आती है। फहद अचानक से उन पर हमला कर देता है। फहद जंगल की ओर भाग जाता है। विक्रम इब्राहिम उसका पीछा करते हैं। वो छुपकर उन पर फायर भी करता है। विक्रम फहद को किसी तरह पकड़ लेता है, लेकिन उन दोनों में जबरदस्ती फाइट होने लगती है और इन्हीं सब के बीच फहद इब्राहिम को गोली मार देता है। इब्राहिम की डेड बॉडी देखकर विक्रम को पैनिक अटैक आ जाता है। फहद इसी का फायदा उठाकर उसको शूट करने वाला होता है कि पीछे से अक्षय आ जाता है और फहद के पैर में गोली मार देता है। फहद विक्रम और अक्षय को बताता है कि एक घर है जहाँ पे वो आदमी रहता है जिसने मुझसे ये सब काम करवाया, और मैंने तो ये सब काम सिर्फ पैसे के लिए किया था। विक्रम अब उस घर में पहुँचता है। विक्रम जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब खुलेगा असली राज। उस घर के अंदर विक्रम का अपना दोस्त रोहित होता है। रोहित विक्रम पर पिस्टल तान देता है, मगर रोहित को गोली मार देता है विक्रम अपने बचाव में। विक्रम जब घर की तलाशी लेता है तो उसको वहाँ पर नेहा मिल जाती है। रोहित मर चुका था। बहुत सारे राज अभी भी खुलने बाकी थे, इसलिए अब वो लोग लॉकअप में बंद सपना के पास आते हैं कि आखिर रोहित ने ये क्यों किया। अब सपना विक्रम को बताती है कि वो प्रीति से प्यार करती होती है। एक्चुअली में सपना एक लेस्बियन होती है। एक दिन एक फैमिली आती है और प्रीति को अडॉप्ट करके ले जाती है। सपना टूट जाती है क्योंकि वो प्रीति से बेइंतहा प्यार करती होती है। उसको लग रहा था कि प्रीति ने उसको धोखा दे दिया है। कुछ दिन बाद सपना को भी एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। इसी दौरान रोहित सपना की जिंदगी में आता है। रोहित सपना को बहुत प्यार करता होता है। एक दिन अचानक से एक डिस्क में सपना को प्रीति मिलती है। वो प्रीति को देखकर बहुत खुश होती है, मगर प्रीति अपने पास्ट को भूलकर उसे मूव ऑन करने को बोलती। सपना ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो नेक्स्ट डे फहद के पास आती है और एक प्लान बनाती है और उसको पैसों के लालच के बदले प्रीति को यहाँ लाने को बोलती है। फहद यही करता है। वो उसको हाईवे से किडनैप करके और कंटेनर में कार को भरकर उसे सपना के पास लेकर आ जाता है। लेकिन सपना और प्रीति की झड़प में प्रीति की जान चली जाती है। सपना रोहित को सब कुछ बता देती है। रोहित सपना को प्यार करता है और वो सपना का साथ देता है। रोहित ने ही अब सारी प्लानिंग की होती है। उसने ही गोडाउन के सामने प्रीति की लाश को गाड़ा होता है। यहाँ तक कि प्रीति की बॉडी पर मिले हुए इतने सारे डीएनए को भी रोहित ने ही प्रीति की बॉडी पर जानबूझकर लगाया होता है ताकि वो असली मुजरिम को छुपा सके और इन्वेस्टिगेशन टीम को भटका सके। नेहा को रोहित ने किडनैप किया था क्योंकि नेहा एक काबिल फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी और वो सपना के लिए खतरा बन सकती थी। नेहा को रोहित पर शक भी हो गया था। विक्रम को रोहित की डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा था कि अगर मुझे कोई पकड़ सकता है तो वो सिर्फ मेरा दोस्त विक्रम है, और आखिर में हुआ भी यही। अब लास्ट सीन में नेहा और विक्रम इब्राहिम के फ्यूनरल से वापस आ रहे होते हैं। तभी एक अनजान शख्स विक्रम के ऊपर फायर करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ हिट द फर्स्ट केस मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं जल्दी एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।